Assalamu alaikum class, I hope you all are fine. Today's topic of discussion is manufacture of urea, unit number 16. As you all know, urea एक nitrogenous fertilizer है, इसमें 46.6% nitrogen content present होता है. फिर आपके साथ discuss की गई हैं कुछ properties, urea की ये एक white crystalline compound है और highly soluble है water के अंदर. इसको हम use करते हैं as a raw material for the manufacturing of other chemicals, लेकिन major use इसका as a fertilizer ही है. इस प्रोसेस के लिए जो आपको रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं, फर्स्ट इज़ अमोनिया एंड सेकंड इज़ कार्बन डाइऑक्साइड. अमोनिया की प्रोडक्शन के लिए एक प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं जिसको कहा जाता है हार्बर्स प्रोसेस. इस प्रोसेस के लिए आपको रिक्वायर्ड है 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन. नाइट्रोजन डायरेक्टली आपको मिल जाता है एयर से और हाइड्रोजन के लिए हम क्या करते हैं कि मीथेन और स्टीम को पास करवाया जाता है हीटेड निकल कैटलिस्ट के ओवर और उससे आपके पास फाइनल यानी कि रिएक्शन के लिए कंडीशंस जो आपको रिक्वायर्ड हैं वो है 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 200 एटमोस्फेरिक प्रेशर और फाइनल आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा अमोनिया. इस प्रोसेस के लिए जो फाइनल 3 स्टेजेस हैं आपके पास, फर्स्ट स्टेज इज रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड यूरिया फॉर्मेशन एंड थर्ड ग्रैनुलेशन ऑफ यूरिया. फर्स्ट स्टेज में क्या किया जाता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाते हैं लिक्विड अमोनिया के थ्रू अंडर हाई प्रेशर और फाइनल प्रोडक्ट आपके पास बन जाता है अमोनियम कार्बामेट. सेकेंड स्टेप में उसी अमोनियम कार्बामेट को हम स्टीम की हेल्प से एवेपोरेट करवाते हैं और डिहाइड्रेशन के बाद आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है यूरिया. थर्ड स्टेप है आपके पास ग्रैनुलेशन का. इस स्टेज में क्या किया जाता है कि लिक्विड यूरिया को एवेपोरेट करवाया जाता है ग्रैन्यूल की फॉर्मेशन के लिए. आप टॉप ऑफ द टावर यानी कि हाइट से स्प्रे करवाते हो लिक्विड यूरिया को अंडर हाई प्रेशर और बेस से प्रोवाइड किया जाता है हॉट करंट ऑफ एयर और वो एवेपोरेशन के बाद चेंज कर जाता है इनटू ग्रैन्यूल्स और फर्दर उसको स्टोर कर दिया जाता है मार्केटिंग के लिए. जैसा कि आपके साथ इस पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की एक फ्लो शीट डायग्राम भी डिस्कस की गई है और पूरे स्टेजेस क्लियर कर दिए गए हैं, ठीक है. फिर आपके पास इंपॉर्टेंस एंड स्टेटस ऑफ यूरिया. अब करेक्टरिस्टिक्स में जैसे हम प्रॉपर्टीज ऑफ यूरिया में पढ़ चुके हैं कि ये एक वाइट क्रिस्टलिन कंपाउंड है और हाईली सोल्यूबल है वाटर के अंदर. अब इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बेस करती है उसके यूसेज के ऊपर, किस तरह इसको यूज़ किया जाएगा. फर्स्ट इंपॉर्टेंस का जो इसका यूज़ है वो आपको बताया जा रहा है कि यूरिया को वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में एज अ फर्टिलाइजर एंड एनिमल फीड एडिटिव. अब आप लोग पढ़ चुके हो कि 90% यूरिया का यूज़ एज अ फर्टिलाइज़र ही है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन परसेंटेज बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स. ये हार्मलेस है और इसको आप यूज़ कर सकते हो फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड सोइल्स. ये नॉन टॉक्सिक है, नॉन एक्सप्लोसिव है, इसलिए इसको सेफली स्टोर किया जा सकता है. लेकिन ये हाइग्रोस्कोपिक है. हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड्स आर दोज विच कैन अब्जॉर्ब मॉइस्चर और वाटर. इसलिए ड्यूरिंग पैकिंग बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि कोई भी मॉइस्चर वगैरह इस यूरिया को डैमेज मत करे. फिर आपके पास है सेकेंड इसका यूज़ कि आप इसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हो फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर कंपाउंड्स और ये हम लोगों ने अभी इंट्रो में भी पढ़ा था. उसके बाद आप इसको यूज़ करते हो एक्सप्लोसिव्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए. फोर्थ यूज़ है आपके पास कि इसको ऑटोमोबाइल सिस्टम्स में यूज़ किया जाता है ताकि हम जो पोल्यूटेंट्स प्रोडक्शन हो रही है उसको कम कर सकें. लास्ट 6 लाइंस में आपके साथ डिस्कस किए गए हैं मेजर यूनिट्स ऑफ यूरिया फॉर्मेशन इन पाकिस्तान. 4 के नेम्स आपको बताए गए हैं, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, एंग्लो केमिकल्स, फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम एंड दाऊद हरकुलस कंपनी. अब जो फौजी फर्टिलाइजर है वो बिगेस्ट फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर है पाकिस्तान में क्योंकि उनके पास 59% मार्केट शेयर्स हैं. अब गवर्नमेंट जो है वो इन तमाम इंडस्ट्रीज़ को इनडायरेक्टली सब्सिडी प्रोवाइड करती रहती है लेकिन फिर भी ये बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और लास्ट ईयर ही यूरिया के प्राइस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था.